एक जो सीन स्क्रिप्ट में था जो मेरे साथ शूट करना था वो मेरे साथ शूट नहीं किया, एक नया कैरेक्टर के साथ शूट किया था। वो टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा था। माय पॉइंट बीइंग दैट टू पीपल वाइबिंग, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू वर्क टुगेदर? बट इंटरव्यूज करते टाइम पीयर लोगों के लिए रेड फ्लैग लगा तो उन लोगों की चड्डी ट्विस्ट हो जाती है। दीपिका वॉज शी इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद समबडी एंड आई फेल्ट दैट कि ये है प्रोफेशनल एक्टर, शी इज वेरी टू द पॉइंट। आएगा जब मिलेगा तो अच्छा है, जब नहीं मिल रहा है तो ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीजन। हैशटैग आई एम वेरी बायस्ड अबाउट दीपिका पादुकोण। आई एम वेरी बायस्ड। हेलो, हाय, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मैं हूँ पूजा नवाथे और आज मेरे साथ है आलिया भट्ट, ए के गुलशन। मैंने खुद ही बोल दिया। थैंक यू। अच्छा लगा। टेक योर टाइम, रणबीर घर पे नहीं है आज तो यू कैन टेक योर टाइम। सीरियसली? बट गुलशन, दिस साइड ऑफ यू आई लव इट, बिकॉज़ कंप्लेन करता है मैं बहुत आवाज करती हूं। बट आई लव दिस साइड ऑफ यू। आई हैव टू चेंज मायसेल्फ। Oh God! So whenever we introduce ourselves to Gulshan, we're like, "Hi, I'm Pooja." He'll always take names of celebrities. Like today, it was Alia Bhatt's day. Kartik Aaryan. Now I'm Alia. Now you're Alia Bhatt, right? Yeah. Which are the qualities that you adore of Alia Bhatt? Nothing. I'm just Alia Bhatt. Naam hai. Just Alia Bhatt. ऐसे ही मतलब मन किया. हाँ, ऐसे मन किया that I should become Alia Bhatt. आलिया भट्ट के अलावा कोई एक्टर ऐसे? और उसकी स्पेलिंग में भी कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेलिंग है आलिया भट्ट, ऐसे एक्स्ट्रा एस एक्स वाई जी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको न्यूमरोलॉजी का गोची नहीं है उसमें तो, तो आपको नाम पसंद है? आई एम सो गुड, शी इज अ गुड एक्टर आल्सो तो करेक्ट। बट कांग्रेचुलेशंस फॉर उलज, यू गिव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मैंने देखी इसीलिए बोल सकती हूं। और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इतना ईज के साथ आप कैसे प्ले करते हो ये बताइए, ट्रिक? पता नहीं यार, ये तो बिकॉज़ आई एम आलिया भट्ट ना, अंदर ही पहले कर लेता हूं मैं थोड़ा काम, प्री प्रोडक्शन वगैरह, प्रिपरेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। कुछ क्रिएटिव आइडियाज है, कुछ एक्सपीरियंस भी है, वो स्किल सेट्स भी डेवलप किया है मैंने। और इसमें बहुत स्क्रिप्ट लेवल पे राइटर्स का श्रेय भी है और डायरेक्टर का भी श्रेय, इनपुट्स काफी कुछ है इसमें तो सब लोग मिलके बनाते हैं चीज़ें। बिल्कुल हाँ, बट वो प्री प्रोडक्शन को सीरियसली लेता हूँ मैं। सो अगर प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है तो देन फिर वो आपको किरदार समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है किरदार, तो फिर वो देन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ लाइक वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ये कैमरा इधर लाइट लगा हुआ है, इट बिकम्स ईजी। फिर आप फाड़ देते हो कैरेक्टर। हाँ, थोड़ा सा इसमें आई थिंक वोकल रेंज के हिसाब से आई थिंक डबिंग में भी थोड़ा एनहेंस किया, सम चेंजेस वर मेड, सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट आल्सो। सो इनिशियली जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा तो मुझे पहले लगा वाह, ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फ्लैग है ये लड़का। हर लड़की का सपना होता है ना, ये लव लेटर लिख दे, ब्रेकफास्ट बना के रखे। बट इवेंचुअली जो ऐसा फ्लिप होता है वो तो नहीं चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड किसी को नहीं चाहिए। ऐसा एकदम वो क्या है वो जो फ्लिप, ओ माय गॉड, एंड इन द सेम क्लोथ्स आल्सो ऐसे चश्मा निकालता है। या चश्मे का कंटिन्यूटी किसी ने नोटिस नहीं किया। ओह, बहुत गड़बड़ है उधर, सब लोग भूल गए थे। बट आजकल जो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग की इतनी चर्चाएं होती है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में जो आपका कैरेक्टर इतना ग्रीन फ्लैग लग रहा है, आपको किसी ने बोला है रियल लाइफ में कि आप में ये सारे क्वालिटीज है, आप ग्रीन फ्लैग? रियल लाइफ में मैं ग्रीन फ्लैग ही हूं, बट इंटरव्यूज करते टाइम पीआर लोगों के लिए रेड फ्लैग लगा तो उन लोगों की चड्डी ट्विस्ट हो जाती है सडनली क्या बोल रहा है ऐसे हो जाता है, देयर बी सरप्राइज्ड बाय माय डायरेक्ट माय ऑथेंटिसिटी। या बट इट्स गुड नो दैट अनफिल्टर्ड साइड ऑफ एन एक्टर। अनफिल्टर्ड तो नहीं है ऐसे, आई एम नॉट अनफिल्टर्ड। रियली यू फिल्टर? नो, या ऑफ कोर्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनीबॉडी डाउन, ऐसे हां कुछ भी बोल दूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, कुछ रिस्पांसिबिलिटी के साथ। आई फील लाइक ऑथेंटिसिटी आना चाहिए एज मी एंड माई पर्सनैलिटी, आई शुड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोलता मैं, इट्स लॉक, इट्स नॉट लाइक मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, करता हूँ मैं बकवास, बट इट्स नॉट ऐसे वाले बकवास, नहीं बकवास वाला बकवास, बकवास वाला बकवास वो क्या होता है पता नहीं, बट हां जैसे कि लाइक यू नो आई एम आलिया भट्ट, इट्स फन, नो इट्स फन बकवास, इट्स फन बकवास, इट्स फन बकवास। बट फॉर गुलशन, व्हाट इज द टू डू लिस्ट व्हेन यू साइन अ स्क्रिप्ट? I have to be genuinely interested in the part and I have, it has to be good for my career. I mean, at least I have to feel this is good for my career. Ye do hai.
एंड व्हेन यू गेट प्रेज्ड फॉर योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड व्हेन द बॉक्स ऑफिस नंबर्स और कलेक्शन इज नॉट एज एक्सपेक्टेड व्हाट आर योर इमोशंस लाइक डू यू फील हैप्पी फॉर योरसेल्फ आई कीप एन आई ऑन इट बट आई डोंट हैव नो कंट्रोल अभी थोड़ा हमें इतना सीरियसली नहीं लेता इन चीजों को आएगा जब मिलेगा तो अच्छा है जब नहीं मिल रहा है तो ठीक है देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट बट इज दैट सो इजी टू लाइक मेरे लिए अगर कुछ No, but it's also difficult. Hope and expectation. Yeah. Na. I want to like completely insulate myself from that. Ki mere control mein nahi hai. To jitna main sar kyun phodun uske piche. Agar mil raha hai to fir le lete hai. Agar nahi mil raha hai to main sar nahi phod raha. Hamara kaam, mera kaam kya hai? In order, I'm an actor. Ye role hai jisko isko nibhao and publicity ke time pe main jo aapse professional obligations hote hain us cheez ko nibhao. उसको जितना मैं अच्छा करूंगा उतना मेरे कंट्रोल में है उसके बाहर इसका परसेप्शन कैसा होगा लोगों को मैं अच्छा लगूंगा मेरा काम अच्छा लगेगा या फिल्म अच्छी लगेगी कहानी अच्छी लगेगी बकवास लगेगी इसका मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना पीपल विल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स बिल्कुल सो दैट इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ डिसअपॉइंटमेंट्स तो होती हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू बी टू अफेक्टेड बाई डिसअपॉइंटमेंट्स कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है कि ठीक है शायद चलेगी नहीं चलेगी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन समटाइम्स पीपल लाइक थिंग्स फॉर व्हाट रीजन पीपल डोंट लाइक थिंग्स आई डोंट नो सो यू नो अर्लियर व्हेन वी मेट एट द प्रीव्यू ऑफ उलझ वी हैड अ नाइस कन्वर्सेशन रिगार्डिंग आजकल जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया बट यू डिफर्ड लाइक यू सेड नो आई डोंट अग्री टू दैट अटेंशन स्पैन कम नहीं हुआ है टू कीप एन अटेंशन ऑन वन पर्टिकुलर थिंग इज मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ इट्स देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस देखिए एक फिल्म आ रही है तो वहाँ पे तीन चार शोज भी आ रहे हैं फिर एक और कुछ आ रहा है कुछ वहाँ पे न्यूज़ में कुछ चल रहा है ट्विटर पे कुछ और ही बवाल चल रहा है और फिर किसी ने कुछ ऐसे फलाना बोल दिया फिर साथ में ओलंपिक्स है फिर क्रिकेट ये सब चल रहा है ना तो अटेंशन का और खुद का भी चल रहा होता है सबका ऐसे व्हाट्सएप पे या जो भी सोशल मीडिया इस पे तो टू कीप अटेंशन ऑन समथिंग बट वंस यू गेट पीपल्स अटेंशन देन मे बी दे विल स्टे ऑन इट फॉर लॉन्गर देन वी थिंक But a 30-second trailer or a teaser, somewhere people start judging the product before it is released. What do you have to say about Fair that? Fair point. Like, तो मैं भी कुछ trailer देखता हूँ, मुझे interesting लगता है, तो then I have some, I want to see कि इसका क्या बनता है. But if it's dull and boring to me, if it doesn't catch my fancy, then it's fair, na? It's fair for people to look at it. Correct. True. And apart from films, what is that which interests you YouTube. More? YouTube हाँ YouTube में बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सब्सक्रिप्शन मैंने लेके रखे हैं हर मतलब सब आई मीन वैरायटी ऑफ थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल अबाउट वेपन्स अबाउट आर्म्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अबाउट हॉर्स हूफिंग अबाउट शू मेकिंग अबाउट फैशन तो है ही मेरे जेन्युइन इंटरेस्ट है स्नीकर्स सिनेमा आर्ट कल्चर जापान lots of things hai cultural historical craft based jo main there are many channels jahan pe dikhate hain how things are made or how artists like make you know a teapot ya aisa kuch kya baat hai ye sab dekhna mujhe bahut acha lagta hai variety of interests but do you get lost while scrolling sometimes I do that also like instagram scrolling and also I also watch people who travel to places I like watching people who travel to places that are matlab jo मतलब एक तो घटिया जगह है कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन है करने को कुछ नहीं है देयर आर सम पीपल हु हैव एंटायर चैनल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे मेक इट इंटरेस्टिंग हां यहां पे है इट्स अ डेड टाउन यहां पे कुछ नहीं है लेकिन हाउ कैन वी हैव फन करके वो हां सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू दे विल गो टू सम लाइक यू नो आर्बिट लाइक तजिकिस्तान जाएंगे और समथिंग लाइक इनर डीप इनर मंगोलिया और सम प्लेस इन अफगानिस्तान वेयर नो आई डोंट नो इफ पीपल इवन प्लान टू गो टू अफगानिस्तान ऐसी सब जगह पे जाके दे मेक व्लॉग्स व्लॉग्स बट आपको लगता है कि क्रिंज कंटेंट ज्यादा चल रहा है हो सकता है बट मैं क्रिंज कंटेंट नहीं देखता आप नहीं कंज्यूम करते मुझे मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो वाला गाना जो बद्दोबद्दी ये चल रहा था ना आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज़ यू आर लाफिंग एट दैट पर्सन एंड आई थॉट इट वाज अ बिट वी आल्सो कंज्यूमर्स आई थिंक कंज्यूम मोर है वो है बट बिकॉज़ इट्स अम्यूजिंग So you people like to laugh at this. मुझे तकलीफ हुई उस चीज़ से। Okay, उलझ की अगर बात करूँ मूवी में बहुत उलझन है एंड तक यू आर हुक्ड टू दैट थिंग कि भाई अब क्या होगा
जब आपका कैरेक्टर रिविलेशन भी होता है, वी आर इन अ शॉक कि अरे ये भी ऐसा हो रहा है, अब आगे क्या हो? सेट पर कुछ ऐसे उलझने हो रही थी? नहीं नहीं, सेट पर कुछ भी नहीं। कैसा माहौल था? क्या नाइट शिफ्ट के टाइम भी था? नाइट शिफ्ट छोटे होते थे वहाँ पे, बिकॉज नाइट्स छोटे होते हैं वहाँ पे, तो हमें वो मतलब कई एक दिन का शूट यहाँ पे वो दो दिन में करना होता था। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई उलझने नहीं, इट वॉज लवली वेदर एंड ग्रेट क्रू, श्रेया जो हमारी डीओपी थी मैं पहले से जानता था, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्टली ऑलराइट। ऐसी वहां पे कोई उलझन टाइप का। टॉकिंग अबाउट जानवी कपूर, अ लॉट ऑफ आई वाज रीडिंग जस्ट कमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड कि ये पेयरिंग हमें काफी अच्छी लगी, एंड वन ऑफ द रीसेंट इंटरव्यूज यू मेंशन कि वाइब होने में टाइम लगा। टाइम लगा नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मुझे लगा जरूरी नहीं है। माय पॉइंट बीइंग दैट टू पीपल वाइबिंग, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू वर्क टुगेदर? तब ये क्राइटेरिया बना के रखेंगे, नहीं वाइब होना ही चाहिए, तो फिर वो नहीं मिलेगा हर किसी के साथ। राइट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आल्सो इज दैट इट्स नॉट, वी डिडंट हैव टू वाइब, बट दैट नेवर गॉट इन द वे ऑफ अस वर्किंग इफेक्टिवली। एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल है, हार्ड वर्किंग है वो, उतना ही चाहिए और क्या चाहिए। बिल्कुल। दोस्ती थोड़ी ना, दोस्त थोड़ी ना बनना है हर किसी के साथ। बट कौन दोस्त है अभी इंडस्ट्री में आपके? विजय है, कल्की है, तिलोत्तमा है, राधिका है, बहुत सारे लोग हैं, सत्यजीत दुबे है, उनकी बहन है सुभिज्ञा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हर्षवर्धन है, वासन है। क्या बात है। ओके, सो वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड अनटोल्ड टेल्स, तो आपके एक दो प्रोजेक्ट्स है जिनका मैं नाम लूंगी, आपको कुछ ऐसे टेल्स बताने हैं उस मूवी रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड जो हमें नहीं पता है। ओके। ठीक है, द फर्स्ट वन इज हंटर। उसका ओरिजिनल टाइटल वासु था। ओह, इट वाज नॉट हंटर। हंटर बहुत बाद में, ओरिजिनली जो शूटिंग स्क्रिप्ट में टाइटल था और स्लेट पे जो नाम था वो वाज वासु। ओह, व्हाई डिड इट गेट चेंज्ड? मार्केटिंग के टाइम पे उनको लगा कि वासु यहां पे सिर्फ महाराष्ट्र के लोग समझेंगे वासु कौन है, वासुगिरी क्या है, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, सो दे चेंज्ड इट टू हंटर। तो उनको वो थोड़ा अश्लील फॉन्ट भी मिल गया। जो मेरे जो घर के सारे सीन वगैरह थे, तो ये जो मेरे जो लाइक 1920 का 19 और 20 इयर्स का जो है वो वाला पोर्शन कर रहे थे, तो चेट शॉर्ट्स पहन के ऐसे बाल ऐसे ऐसे थे, कुछ स्वेटर पहन के मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ बच्चे आते थे शूटिंग देखने के लिए। ओह। तो किसी ने कहा कौन है हीरो, तो मेरी तरफ किसी ने ऐसे बताया था, उसने मुझे ऐसे देखा, ये हीरो, ये इसकी बेइज्जती की उसने। बट मूवी रिलीज होने के बाद स्वाद आ गया मुंह में, स्वाद, वड़ा पाव का स्वाद आ गया। बट आई एम डेफिनेटली 100% श्योर मूवी रिलीज होने के ऐसे अरे बट अब तक याद है मसला हुआ है। बट आई एम श्योर उसके बाद हंटर मूवी देखने के बाद वो फैन बन गया होगा। वो कैसा ही था, अब कौन समझाएगा उसको कि ऐसा है वैसा है। उसके इसमें हीरो है तो मतलब पर्सनालिटी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, बॉडी शॉडी होगी, डांस वगैरह करेगा, हेयर स्टाइल होगा, ये क्या है। बट उसको फिल्म की सेंसिबिलिटी समझ में आई, और वो फिल्म उसके एज ग्रुप का भी नहीं था। वो भी है। बट डू यू थिंक द लैंडस्केप इन द फिल्म इंडस्ट्री हैज चेंज्ड? To look, what way? In terms of like you said, पहले ऐसे superstars दिखने में macho this that, अभी content is the king. नहीं बोलते तो सब यही है, but I don't know if सब लोग ऐसे करना चाहते हैं। अच्छा, you still not? I'm not sure, but hey, change तो हुआ है. I think the effort is there. A lot of ऐसा नहीं कि पहले के actors ऐसे सीखे नहीं आते थे, बहुत सारे NSDNs और FTIs से सब आते थे, but अभी के जो जितने भी पॉपुलर एक्टर्स हैं जो लीड रोल्स करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तैयार एक्टर्स भी हैं, और कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस होता है रादर देन पर्सनैलिटी। पहले एक टाइप था, यू यूज टू प्ले द टाइप, बट दैट वॉज अ डिफरेंट ईरा। मैं उसको सही गलत नहीं बोलूँगा, बट वो ईरा का रिक्वायरमेंट वो था, तो अभी अलग है, पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेराइटी। राइट। एंड अभी तो ऐसा भी वक्त आ गया है जहाँ पर क्रिएटर्स को भी लोग वर्शिप करने लगे हैं। हाँ, जैसे राजन डी के have become very popular. There are lots of filmmakers who are yeah. expectations aa jata hai ki ye log banayenge to kuch acha banayenge. Okay, the next one is Ramleela. Kya Ramleela? Untold Tales. Untold Tales.
एक जो सीन स्क्रिप्ट में था जो मेरे साथ शूट करना था वो मेरे साथ शूट नहीं किया, एक नया कैरेक्टर के साथ शूट किया था। वो टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा था उसका, बिकॉज इट्स मेरे लिए वो एक वो कैरेक्टर की जर्नी वो एक्सप्लेन करता हूँ, बट वो नहीं, बट इट वॉज अ डिसीजन दैट वॉज टेकन आई थिंक बाय मिस्टर बंसाली एंड ही हैड सम लॉजिक टू से जो उन्होंने समझाया था मुझे, लेकिन मैं थोड़ा अपसेट था तो मैं सुना ही नहीं। आपने जाके बोल दिया संजय जी को? हाँ, मैंने बोला कि ये तो मेरे साथ शूट करना था समथिंग लाइक दैट। आई बट उनका रिएक्शन क्या था? कुछ तो बोला था उन्होंने, मुझे याद नहीं है। ओके, वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, कुछ तो बताया था उन्होंने। आई वॉज अ बिट अपसेट क्योंकि बहुत अच्छा सीन था वो, आई वॉज रियली मेंटली प्रिपेयर्ड एंड इन अ वे दैट वॉज माई फेवरेट सीन इन द फिल्म, और वो मुझे करने नहीं मिला, तो आई थिंक इस बात से ज्यादा मुझे दुख हुआ। हाँ, डिसअपॉइंट दुख हुआ था, बट ऐसे ही होता है। उन्होंने एक रीजन दिया था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट ही सेड बिकॉज़ आई वाज सो ओवरकम विद माय डिसअपॉइंटमेंट कि मुझे या मैंने सुना ही नहीं ठीक से क्या बोले, फिर आई वाज लाइक ठीक है आपकी पिक्चर करो जो करना है। बिल्कुल। और ऐसा कोई सीन बाद में आपको मिला जिससे सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि यहां पर तो डिसअपॉइंटमेंट मिली थी? जनरली इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग, या दिस वाज वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट दे हैड टू शूट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म। एक सीन आता है वो मेरे और दीपिका के बीच में था, बट वो नहीं शूट किया, वो शूट ही नहीं हुआ, बट अदरवाइज दीपिका के साथ काम अच्छा करने में मजा आया, रणवीर के साथ। या उनमें तो वैसे ही है जैसा एनर्जी, वो तो भंडार है, वो तो है, बैटरीज पता नहीं उसके सब बहुत है, ऑलवेज चार्ज्ड, ऑलवेज वैसे ही था वो, वैसे ही था। दीपिका वाज शी इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद समबडी एंड आई फेल्ट दैट कि ये है प्रोफेशनल एक्टर, शी इज वेरी टू द पॉइंट, शी इज फ्रेंडली बट नॉट ओवर फ्रेंडली, She'll make you comfortable, but ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, एक दायरा भी है बट एक ease of work भी है, comfort भी है, और बहुत मेहनती है वो भी। बिल्कुल। And शैतान, दो फिल्में बोला था आपने, एक मैंने ऐड कर दिया। Most of us were confused out of our head जब शूट शैतान की शूटिंग हो रही थी, हमको घंटा पता था कि हो क्या रहा है, we were just shooting, इधर से उधर भागो, आगे उधर से कूदो, हाँ ये दरवाजा खोल के इस साइड लेफ्ट भागो, नहीं नहीं राइट भागो, यही हो रहा था। और वो हाई स्पीड पे हो रहा था, वो भी 1000 फ्रेम्स पे कभी शूट करें कभी 800 पे करें, आई थिंक ले दे के फाइनली इसे 150-200 पे शूट किया उन्होंने फ्रेम्स पर सेकंड, तो ये सब चल रहा था। सो मोस्टली इट वाज वेरी आई हैड नो आइडिया कि हो क्या रहा है, बट इतना एक इंस्टिंक्ट था कि समथिंग कुछ बनेगा स्पेशल इसका, कर क्या रहा है बिजॉय पता नहीं, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। रिव्यूज भी आए वो आई एम श्योर इतने अनएक्सपेक्टेड होंगे, इट वाज वेरी विजुअली वेरी डिफरेंट, बहुत स्टाइलिस्टिक है वो फिल्म, सो विजुअली इट वाज डिफरेंट, बट वो करते हुए कुछ समझ नहीं आया क्या बात है। ओके, वी हैव दिस हैशटैग सेगमेंट, मैं कुछ नाम लूंगी आपको हैशटैग देना है। ओके, ठीक है। जानवी कपूर, हैशटैग वेरी हार्ड वर्किंग। राधिका आप्टे, हैशटैग द बेस्ट एक्ट्रेस आई हैव एवर वर्क विद। सईद आमंडकर, हैशटैग आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। ओह वाओ। रोशन मैथ्यू, हैशटैग आई एम so upset I don't have a scene with him in Ulaj. But offline तो आप मिले होंगे? Not so much. मैं actually वहाँ पे राजेश जी और मयंक के साथ ज़्यादा time बिताया मैंने. मयंक चैंग. A hashtag for him. Hashtag he's a wonderful actor. I hope he gets bigger parts. Definitely. Rajkumar Rao. Hashtag I admire him. Kalki. Hashtag I miss you. Ada Sharma. Hashtag multi-talented. She does many things. Singing कर लेती है, आवाज निकाल लेती है, वो बहुत कुछ कर लेती है, languages भी इतने सारे। Yeah. She's quite multi. Super talented. Ranveer Singh. सोच रहा हूँ मैं कुछ। सोच। Ranveer Singh. Hashtag Ranveer Singh. Ranveer Singh ही hashtag है। Energy. नहीं रणवीर सिंह इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। ओ वाओ, यू आर सो रणवीर सिंह, ऐसे बोला ना, ऐसे एन एडजेक्टिव, आज तुम बड़े रणवीर सिंह बन रहे हो। दीपिका पादुकोण, हैशटैग आई एम वेरी बायस्ड अबाउट दीपिका पादुकोण। ओके, आई एम वेरी बायस्ड, वो बैंगलोर से है, मेरे शहर से है, मैं उसको पसंद करता हूं, अच्छी लगती है मुझे, आप गलत नहीं बोलना उसके बारे में। लास्टली आपकी फेवरेट आलिया भट्ट, hashtag long career, I think she'll have a very long career.
Wonderful. And there are these two comments for you. I want you to react to these comments. Okay. What the comments is a segment. So the first one is outstanding performance. This film reminds me of movie Dar. It was SRK's movie and Ulaj is yours. Thank you. But it's all of our movies, not just mine, but yeah, thank you. They are mentioning the character. Okay. I thought you saw that comment where somebody said that my ovaries burst when I saw you on screen. Okay, we all are excited for your next project. But it's too soon. I think if Hotstar does decide that they're going to renew the season, then we'll get to know in some time. Okay, and what's next? Betting low. About your projects. About my projects. Work projects. Next project is going to be my meal for the day. I'll go and eat food. I'm shooting for something right now, but I don't want to really talk about it. Okay. It's a very different zone for me. And yeah, but it will be definitely visually exciting also for people. Aisa wala hai. And then ek film hai meri jo bachon ki film hai, Little Thomas, Melbourne mein dikhai ja rahi hai wo. Unfortunately, I can't go for it, but it will find a theatrical release sometime at a convenient time because it's a kids' film, so mostly around the holidays or something. Oh, lovely. Wish you all the best. Thank you. Thank you for talking to us. Thank you so much, Gulshan.